इस मिट्टी में हम जन्मे वो अपनी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी है। यूपी अपनी माँ है, माँ की हम पर कर्जेदारी है, हम पर कर्जेदारी है, हम पर कर्जेदारी है। खाओ कसम की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे, पड़ी बेड़ियां पांव में, पड़ी बेड़ियां पांव में। जितनी यूपी के सब खोल रहा हूँ राहें नए विकास की, अब रात और दिन मैं खोल रहा हूँ। अखिलेश यादव बोल रहा हूँ, अखिलेश यादव बोल रहा हूँ। बाराबंकी सिरोली घोसपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कस्बा किंतूर में भावी प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य व समाजवादी पार्टी के जिला सचिव मोहम्मद लतीफ कुरैशी बदोसराय ने विकास की बात करते हुए लोगों से ज्यादा वोट देने की बात कही। जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद लतीफ कुरैशी ने बदोसराय से होते हुए कस्बा किंतूर के मोहम्मद अजीज कुरैशी के घर पर अपने साथियों के साथ पहुंचे और जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद लतीफ कुरैशी का मोहम्मद अजीज कुरैशी ने जोरदार स्वागत किया, जिसमें मोहम्मद लतीफ कुरैशी ने गांव का निरीक्षण किया और लोगों से आग्रह किया कि मुझे ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कर जिताएं और अपने गांव को खुशहाल बनाएं। जिला पंचायत भावी प्रत्याशी मोहम्मद लतीफ कुरैशी ने बताया कि आप लोगों ने बहुत लोगों को विजय बनाया है और उन लोगों का काम भी देखा है, लेकिन मैं युवा प्रत्याशी आप लोगों का बेटा एक भाई हूं, मुझे भी अपना आशीर्वाद देकर मुझे भारी मतों से विजय बनाए ताकि मैं आपके गांव की सारी समस्या को दूर कर सकूं, यहां तक कि बच्चों को पीने के लिए शुद्ध पानी, पढ़ने के लिए बुक और गांव की साफ सफाई का पूरा पूरा ख्याल रख सकूं। इसलिए जनता से लतीफ कुरैशी ने सपोर्ट मांगा है और कहा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट कर जिताएं। इसी तरह लतीफ कुरैशी ने कई मोहल्ला जैसे कि जुमे की बाजार, गद्दी मोहल्ला, महल्ला सैयदवाड़ा, चौराहा, जुमे की बाजार समेत कई जगहों पर वर्क किया, जिसमें जनता का काफी सपोर्ट लतीफ कुरैशी को मिला और हर्षोल्लास के साथ जनता ने उनका स्वागत कर ज्यादा से ज्यादा वोट देने की बात कही। फिर उसके बाद लतीफ कुरैशी दूसरे दौरे पर निकले, जिसमें हाथ से हाथ मिलाकर उनके साथी मौजूद रहे, जिसमें मंजुल पंडित, दिनेश मोर, सज्जन चूड़ी फरोश, प्रमोद मिश्रा, विक्रम लोधी, रजब तेली, अजीज कुरैशी किंतूर, कमरुद्दीन कटका, डब्लू पंडित, सहीश कुरैशी, धीरेन्द्र सोनकर, मोहम्मद आलम चूड़ी फरोश आदि लोग मौजूद रहे। बाराबंकी से टीवी इंडिया 18 की खास रिपोर्ट। सत्य की सीधी खबर, हर खबर खास खबर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं सत्य टीवी इंडिया 18। मैं कस्बा किंतूर में मौजूद हूं आज और यहां पर जो है समाजवादी पार्टी के जिला सचिव यानी कि यहां पर जो प्रत्याशी भावी प्रत्याशी जिला पंचायत मोहम्मद लतीफ कुरैशी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो आए हैं ये अपने वोटिंग के लिए आए हैं। इनसे पूछता हूँ कुछ सवाल जो कि मैं जो इम्पोर्टेंट सवाल है टीवी इंडिया टीम के माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये भावी प्रत्याशी जिला पंचायत हैं, ये अगर जीतते हैं इनको जनता का आशीर्वाद मिलता है तो सबसे पहला इनका मुद्दा क्या होगा, सबसे पहला विकास का काम इनका क्या होगा? सर टीवी इंडिया टीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि आप जिला पंचायत के सदस्य हैं यानी कि आप पार्टी से लड़ने वाले हैं, जिला पंचायत आप चुनाव लड़ेंगे, आपको अगर जनता सपोर्ट करती है, आप अगर आप जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है, सबसे पहले आपका विकास का कदम सबसे पहले मुद्दा कौन सा होगा? इस बार अगर जनता हमारा सहयोग करती है, जनता हमें जिताती है, तो जो हमारे 20 सालों में क्षेत्र में काम नहीं हुए वो क्षेत्र हम काम करने की पूरी कोशिश करूँगा। हमारे बहुत से क्षेत्र में देखें कच्ची रोडें बनी हैं तो वो रोडें हम पक्की कराने का काम करेंगे और सभी क्षेत्रवासी और ग्रामवासियों से हमारी गुजारिश है कि वो हमारा सहयोग करें और हमें इस बार मौका दें, हमें जिताएं। नौजवान हूँ तो यही हमारी जनता से गुजारिश है कि इस बार हमें मौका दें। हमने बहुत जगह देखा है, गरीब लोग हैं, मजदूर हैं बेचारे, वो अपने झोपड़े में बैठे हुए हैं, उनके पास ये दीवार नहीं पक्की, छत नहीं है पक्की, वो बारिश में भीगते रहते हैं, तो उनको हम पक्का घर देने का वादा करता हूँ। अगर वो इस बार हमें जिताते हैं तो हम उनको जो हमारे सहयोग से होगा तो उनका हम काम करेंगे। देखिए आपने बहुत ही अच्छे सरल तरीके से बताया कि जहाँ जहाँ काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ, हम विकास करने की कोशिश करेंगे अगर जनता का सपोर्ट मिलता है। दूसरी बात यह है कि मैंने देखा है कि ये लोग जीतते, बड़े बड़े वादे करते हैं, फिर जीतने के बाद में वो चुप्पी साध लेते हैं, वो वादे फिर भूल जाते हैं कि कौन सा वादा किया। आप अगर जीतते हैं तो जो आपने वादा किया है उस पर आप खरा उतरेंगे? जी हम जो वादा किए उस पर खरा उतरेंगे।
हम नौजवान हैं, हमारे पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव हैं वो भी नौजवान हैं, क्योंकि उनका कहना है कि आप नौजवानों से और बुजुर्गों से मिलते रहिए और जो उनकी समस्याएं हैं उनकी समस्या को पूरा करने का काम करें। तो हम उनके अपने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के वादों पर चलने की संभावना। देखिए आप बहुत अच्छे तरीके से आपने मेरे सवालों का जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है। और मैं एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूंगा कि जैसे कि प्रत्याशी यहाँ पर बहुत उम्मीदवार हैं, जिला पंचायत के उम्मीदवार हैं, लेकिन जनता उसी पे भरोसा करती है जिस पर भरोसा होता है कि कौन जीतेगा या कौन नहीं जीतेगा, लेकिन आपकी यहाँ पर फिजा अच्छी है। अगर आप यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से जीतने के बाद आप विजय होते हैं, तो आपका यहाँ पर जो मुद्दा है किन्तूर के अंदर आप आएंगे, क्योंकि लोग जीतते हैं तो बाद में दिखाई नहीं देते हैं, इतना चांद हो जाते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि जो जीतता है फिर उसके बाद में वो जनता का ख्याल नहीं रखता है। लेकिन आपने बड़े अच्छे बेबाकी से सवालों के जवाब दिए हैं, मुझे खुशी है। लेकिन एक सवाल ये है कि जैसे कि बच्चे हैं, बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, गरीबों को अच्छा राशन नहीं मिल पा रहा है, गरीबों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, आवास नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी मदद के लिए आप हमेशा तत्पर रहेंगे? जी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे क्षेत्रीय जो हमारे ग्राम के बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छी पढ़ाई मिले, हम पूरी कोशिश करेंगे और ये काम हम अपने पूरा करके ही दिखाएंगे। क्योंकि हम बहुत से लोगों को देखें इस क्षेत्र में, कम से कम हमारी उम्र तो भी ज़्यादा नहीं, 25 साल उम्र हमारी, तो हम 20-25 साल से देखते आ रहे हैं कि लोग क्षेत्र में जीत रहे हैं, कोई काम नहीं करा रहे, सब जीत के अपने अपने घरों में बैठ रहे हैं। तो मैं वादा करता हूँ जिस तरह मैं इस तरह चुनाव में हर गाँव हर गली में घूम रहा हूँ, इसी तरह जीतने के बाद हम हर गली हर गाँव घूमेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनूंगा, उनको पूरा करने का काम करूँगा। जी आपने बहुत अच्छे सवालों का जवाब दिया, मैंने तीन क्वेश्चन के तीनों के सवालों के जवाब बड़े बेबाकी से दिए, मुझे खुशी है। और बड़े ही अच्छे अंदाज में आपने बताया कि विकास करेंगे, बच्चों का ख्याल रखेंगे, आवास जिनको नहीं मिले उनको आवास दिलाएंगे, हर तरीके से आपने वादे किए हैं। आपको आपके जितने भी साथी हैं, आपके सपोर्टर हैं, आपके साथ में हैं, और मुझे यकीन है कि आप यहां से विजय होंगे। बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने बयान किया, बहुत ही अच्छे अंदाज में सवालों का जवाब दिया है। इसी तरह की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे टीवी इंडिया टीम से जुड़े रहें और देखते रहें बेबाकी के साथ, बड़ी खबरें अच्छी अच्छी खबरें लेटेस्ट के साथ देखते रहें। हर खबर खास खबर में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर मिलता हूं इन्हीं खास खबरों के साथ में, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।